गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, एनिमल क्लासिफिकेशन में आज हम पढ़ेंगे वर्ग रेप्टिलिया, जिसको हिंदी में कहते हैं सरीसृप। रेंग, अधिकतर प्राणी रेंग कर चलने वाले, एक सबसे विशिष्ट लक्षण है जो सिर्फ आपको पहचानने में मदद करेगा। चलिए पढ़ते हैं इसके लक्षणों के बारे में और वर्गीकरण के बारे में। वर्ग रेप्टिलिया अर्थात इसका लैटिन वर्ण है रेपलम, अर्थात टू क्रीप, क्रीप यानी रेंग कर चलने वाले। इसके लक्षण देखें, इस वर्ग के प्राणी अधिकांशतः रेंग कर चलते हैं। ये प्रथम स्थल कशेरुकी, मतलब ये अभी हमने एम्फीबिया पढ़ा था जो जल में और थल में दोनों में रहता था, लेकिन ये कैसे हैं, सिर्फ थल में रहते हैं, स्थलीय प्राणी है। असमतापी प्राणी है अर्थात शीत रक्त वाले। कंकाल पूर्णतः अस्थिमय होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है। इनकी त्वचा सूखी एवं शल्कों से ढकी रहती है। यह चतुष्पादी जंतु हैं। प्रत्येक भुजा में पांच पांच अंगुलियां हैं, किंतु सांप जैसे प्राणी में क्या होती हैं, भुजाएं या पाद नहीं होते। इनकी त्वचा में श्लेष्मिक ग्रंथियों का अभाव होता है। जब आप रेप्टिलिया पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार अपने मन में छिपकली के स्ट्रक्चर को ध्यान में रख लें और उसके बाद अब आप रेप्टिलिया के लक्षण पढ़े, आपको बहुत जल्दी याद होगा। श्वसन केवल गलफड़ों द्वारा होता है। सभी जंतुओं के जबड़ों में दांत होते हैं, केवल कछुए के जबड़े में दांतों का अभाव रहता है। सभी प्राणियों में दो जोड़ी टांगे होती हैं, केवल सर्प या स्नेक को छोड़कर। प्राणियों की प्रत्येक टांग में पांच पांच उंगलियां होती है, जैसे कि बता चुके। अंगलियों में नखर यानी नाखून होते हैं। मांसाहारी होते हैं, श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा। हृदय में दो ऑरिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल एक पट्ट द्वारा दो भागों में बटा रहता है। यहाँ पर हृदय के जो हार्ट के जो फोर चैम्बर की स्टेज है वो एवोल्यूशनरी स्टेज में रहती है। एक लिंगी प्राणी है, मैथुन अंग उपस्थित रहते हैं। प्राणी अंडे देते हैं अर्थात ओविपेरस होते हैं। अंडों के चारों ओर चूने का कवच पाया जाता है। इनमें निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर होती है, कायांतरण नहीं होता। क्लोएका पाया जाता है, बाह्य कर्ण अनुपस्थित रहता है। इनकी खोपड़ी में केवल एक ही ऑक्सीपिटल कोंडाइल होती है। भ्रूण पर भ्रूण कलाएं लगी होती हैं जिनके द्वारा भ्रूण का पोषण होता है। शॉर्टकट में यदि हम देखें तो प्रमुख लक्षण क्या है, त्वचा खुरदरी, स्केल्स उपस्थित, चतुष्पादी, पांच उंगली, प्रत्येक उंगली में एक नखर, अंडज जंतु, अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, हड्डियों का बना कंकाल और शरीर के अंदर निषेचन। इसके पहले क्या होता, निषेचन क्रिया शरीर के बाहर हो रही थी। वर्गीकरण, इसको चार सब क्लासेस में बांटा गया है। पहला है एनाप्सिडा, ये आदि सरीसृप प्रिमिटिव हैं। ये प्रिमिटिव स्टाइल के क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं जिनकी करोटी यानी स्थल की छत ठोस होती है, इनमें टेम्पोरल द्वार नहीं पाया जाता। सेकंड है पैराप्सिडा, ये विलुप्त सरीसृप है जिनकी करोटी एवं टेम्पोरल गुहा पाई जाती है। प्रत्येक टेम्पोरल छिद्र पोस्ट तथा सुप्रा टेम्पोरल द्वारा घिरा होता है। तीसरा वर्ग है साइनोप्सिडा, केवल एक टेम्पोरल छिद्र पाया जाता है। यह विलुप्त सरीसृप, मतलब वो प्रजाति जो अब पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है। चौथा उपवर्ग है डायोप्सिडा, पृष्ठ पार्श्व सतह पर दोनों ओर एक एक टेम्पोरल छिद्र पाए जाते हैं। ये टेम्पोरल टेम्पोरल जो पढ़ रहे हैं ना, ये आप स्कल के स्ट्रक्चर में जो होल्स है उनके हिसाब से है। दूसरा, यह दोनों छिद्र एक दूसरे से पोस्ट ऑर्बिटल तथा स्वभोजन अस्थियों से पृथक रहते हैं। अब हम आते हैं रेप्टिलिया समूह के महत्वपूर्ण जंतु। पहला है ड्रैको। ड्रैको के बारे में आपने जरूर डिस्कवरी चैनल में देखा होगा और इसके बारे में अब हम आपको बता रहे हैं। लक्षण, यह प्रायः दक्षिण भारत के मलेशिया तथा बर्मा के वृक्षों के ऊपर पाया जाता है। सिर धड़ तथा पूंछ में बटा रहता है। शरीर क्या है, यहाँ तक सिर, ये धड़ और ये पूंछ में बटा हुआ है। अग्रपाद पश्चपाद पांच पांच उंगुलियां होती है। पूंछ लंबी होती है जो शत्रु से बचने के लिए चाबुक का कार्य करती है। धड़ के दोनों पार्श्व भागों में विंग या पंख पाए जाते हैं जिन्हें पटेजियम कहते हैं। प्रत्येक पटेजियम धड़ की त्वचा की बनी होती है जिसमें पांच पसलियां होती हैं। पटेजियां जंतु के उड़ने में सहायक होती हैं, अतः इसको क्या बोलते हैं, उड़न छिपकली भी कहते हैं, फ्लाइंग लिजार्ड कहते हैं। सिर के समीप गुलर पाउच स्थित होते हैं जो कॉपुलेशन के समय सहायक अंग का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेंबर, कैमेलियन।
कैमेलियन सबको अच्छे से परिचित है, सबने देखा भी होगा। यह प्राय वृक्षों पर रहता है। इसकी पूंछ लंबी मुड़ी हुई होती है, मुंह में लंबी जीभ होती है जो चिपचिपी तथा मुद्राकार होती है और बाहर की ओर निकल आती है। सिर पर बड़ी आंखें होती हैं किंतु टिम्पेनम अनुपस्थित होते हैं। शरीर पर शल्क पाए जाते हैं, अंगुलियां नखर युक्त होती हैं। अग्र एवं पश्च पादों में पांच पांच नखर युक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। और ये क्या करता है, कैमेलियन कलर भी बदलता है, तो ये इसके एडेप्टेशन का मेन फीचर है। तो बच्चों ये था वर्ग रेप्टिलिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ग एवीज का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों। एफिट